दोस्तों माए सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जॉर्ज गॉर्डन बायरन का स्पेशल ये वीडियो है और इसमें हम लगभग सारा का सारा उनका जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है इम्पॉर्टेंट जो उनका वर्क है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैंने स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ और इसमें मेरे ख्याल से ये आप देख लोगे तो बहुत मेरे हिसाब से तो नाइन्टी परसेंट आप इस स्पेशल राइटर को रोमांटिक एज के स्पेशल राइटर को आप कवर कर लेंगे तो चलिए हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो आप लाइक like की बटन दबाते ही नहीं है पता नहीं क्यों शर्माते हैं आप लोग इतना प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी ए नैट और सेट एग्जाम इस्टेट लेवल सेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या पी जी टी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो वन बाय वन आई एम प्रजेंटिंग टू यू दीज टाइप ऑफ विडियोज फॉर यू ना फर्स्ट फेज वी आर ओपनिंग तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द रोमेंटिक मूवमेंट एवरी वन नो एंड ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट Okay. He was born on 22 January 1788 and died on 19th April 1824. So this is you learn. And then he is regarded as one of the greatest British poets, and he's also joined the uh, Greek War of Independence. Okay. Fighting the Ottoman Empire, he was also a leading figure in the Romantic movement. So these ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वी नो अबाउट इट अबाउट द लॉर्ड बायरॉन ओके लॉर्ड बायरॉन करके इनको जाना जाता है अभी भी तो ट्वेंटी टू जनवरी सेवनटीन एटी एट में इनका जन्म हो चलो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क को हम लोग देखते हैं अच्छा कुछ और पॉइंट देख लीजिए लॉर्ड बायरॉन अटेंडेड हैरो स्कूल लंडन ट्रिंटी कॉलेज कैम्ब्रिज यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है और बायरस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री आवर्स ऑफ आइडलनेस अपियर इन 1807 तो ये उनकी पहली पोइट्री है आवर्स ऑफ आइडलनेस और ये 1807 में आई है दिस पोएम वर सेवेगली अटैक्ड बाय हेनरी ब्रोगम इन द एडिन रिव्यू तो एडिन रिव्यू में इस पोइट्री को क्रिटिसाइज किया गया है किसने किया हेनरी ब्रोगम ने ठीक है तो नेसेसरी टू लर्न इट दिस पॉइंट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में मत करो अरे भैया पर कुछ चीज़ें जो है वो नेसेसरी टू डिस्कस इन हिंदी ओनली दैट द जो जो उसका जो रस है ना बात का वो आता है एक्चुअली ओके okay. तो बैरन अप्लाइड विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज सटायर इंग्लिश पार्ट्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स एटीन हंड्रेड नाइन अच्छा इसके बाद क्या हुआ इस बात का जो रिप्लाई दिया है ना बायर ने वो इसमें दिया है इंग्लिश बार्ड सेंस स्कॉच रिव्यूअर्स में दिया है जो कि एटीन हंड्रेड नाइन में पब्लिश हुआ था ठीक है तो ये स्टोरी को आप देख लीजिए क्या क्या है आगे पीछे किसने किसका जवाब दिया ना हो नेक्स्ट अलॉन्ग विद हिज क्लोज फ्रेंड जॉन कैम हब हाउस बायरन वेंट ऑन अ ग्रेंड टूर टू ग्रीस albania spain portugal and malta in 1809 byron returned to english in the summer of 1811 having completed the opening cantos of child's harold's pilgrimage so it is also very very important work of byron a poetic travelogue of picturesque lands this poem instantly catapulted by round of to fame so much that he himself remarked that kudi bolte hai, remark karte about this poem what i awoke and found myself okay. so this is very famous poem child herald's pilgrimage published in 1811 he, he completed and uh, after the tour he wrote the particular poem next byron was rumored to have had, uh, had affairs with several women ठीक है द एजिटेशन ऑफ दीज अफेयर्स एंड द सेंस ऑफ मिंगल्ड गिल्ट एंड एक्सकल्टेशन दे देउज इन हिज माइंड आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरियंटल टेल्स ही हीरो ड्यूरिंग द पीरियड सच एज द गेयर्स द ब्राइड ऑफ एबो एबीडॉस एंड द कॉरसेर तो ये जो तीनों वर्क हैं ये उसी समय उन्होंने लिखा है जब उनके बहुत सारे वूमेन्स से जो है लव अफेयर्स थे तो उस समय उन्होंने ये लिखते गए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत सारे पेजेस हैं बैरोन लेफ्ट इंग्लैंड एंड सेटल्ड इन इटली देन आफ्टर बिकॉज ही इज टू मच क्रिटिसाइजिंग ड्यू टू द हिज एक्टिविटी दैट्स वाई ही सेटल्ड ही जस्ट वेंट टू द इटली एंड ही बिगन राइटिंग हिज मास्टर पीस वॉट डॉन जियन डॉन जियन ही रोट दैट टाइम एंड एपिक एंड एपिक्स अटायर नॉवल इन वर्स लूजली बेस्ड ऑन लीजेंडरी हीरो है ना इन एटीन इन एटीन ट्वेंटी टू बॉन ले हंट एंड पी वी सैली ठीक है याद रखना ये इन एटीन ट्वेंटी टू बायर ली हंट एंड पी वी सैली पियसेली ट्रैवल्ड टू इटली वेयर द थ्री मैन पब्लिश्ड तो यहाँ पर ये तीनों ने मिलके एक पब्लिश किया था व्हाट पॉलिटिकल जर्नल को इसका नाम है द लिबरल ठीक है 1822 में तीनों कौन है ली हंट पायरोन और पीवी सैली में ठीक है आगे बढ़ते हैं अवर्स ऑफ आइडलनेस ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आवर्स ऑफ आइडलनेस आवर्स ऑफ आइडलनेस वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश इन अभी इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे एट्टी सेवन एटीन हंड्रेड सेवन में आए था और वेन ही वॉज नाइन्टीन ईयर ओल्ड जब वो सिर्फ उन्नीस साल के थे एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोस्टली शॉर्ट पोएम एंड मैनी मैनी इन इमिटेशन ऑफ क्लासिक रोमन पोइट्स तो इट नॉर्मली द सो मैनी पोएम्स रिलेटेड टू द रोमन पोएट्स ओके एंड इट इट इज अटली शॉर्ट पोएम वर देअर ठीक है आगे देखते हैं इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स अभी हमने बात किया था दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट इज़ द आंसर गिवन बाय द लॉर्ड बायरन टू द दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग हिम 1809 हंड्रेड नाइन सटारिकल पोयम रिटर्न इन हो हीरो कपलेट्स ये ये देखो इसमें आर ई टी यू आर एन नहीं है वो रिटर्न है डब्ल्यू आर आई डब्लू टी ई एन रिटर्न है लिखने वाला गलती से लिख दिया है 1809 में सटारिकल पोयम थी ये और ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई थी इट वॉज़ मॉडल्ड ऑन एलेगजेंडर पोप्स ट्ररिकल वर्स ठीक है तो जस्ट लाइक अ एलेगजेंडर पोप्स ही रोट द वर्क इज एन अटैक ऑन कंटेम्प्रेरी राइटर्स एंड क्रिटिक्स इट इज एन अटैक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स हु वर्ड्स फॉर कोलरेज एंड एन साउदी में और रॉबर्ट साउदी जो थे वो इसमें स्पेलिंग रॉन्ग है थोड़ा मिसिस रेडक्लिफ़ दीज ऑल द राइटर्स दे क्रिटिसाइज द पर्टिकुलर वर्क एंड और इसके बाद बायरन इंग्लिश बर्ड्स एज द लास्ट एंग्री रिवरवरेशन ऑफ द लिटरेरी सटायर ऑफ ड्राइडन एंड पोप तो ये आखिरी जो है लास्ट एंग्री रिवरेवरेशन है लिटरेरी सटायर का ड्राइडन और पोप के बाद में ठीक है फिर है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज नाउ ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउ इन इन व्हेन आई स्टार्टेड द एक्सप्लेनेशन बायरोन्स चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज रिटन इन फोर कैंटोस ये फोर कैंटोस में लिखा हुआ है इन इस्पेंसीरियन स्टेंजा में लिखा हुआ है वॉज पब्लिश बिटवीन एटीन हंड्रेड ट्वेल्व एंड एटीन तो इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम दैट फोकसेज ऑन अ नोबल मैन And uh, disillusioned with sensory pleasures, and embarking on a search for entity, the child of the poem. And title is a medieval title for young man who is eligible for knighthood. Or it is the poem which introduces the concept of the uh, Byronic hero, a brooding solitary man who is an outcast, outcast or outlaw. Hai, toh, this is the uh, matter related to the particular uh, work. चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रेमेज इट पब्लिश्ड इन बिटवीन एटीन हंड्रेड ट्वेल्व एंड एटीन हंड्रेड एटीन और इस्पेंसीयन स्टेंजा में लिखी गई है डॉन जियन इट इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लॉर्ड बायरॉन ब्रॉन्ज डॉन बैरोन डॉन जोन इज अ अनफिनिश्ड पोएम इट इज अ अनफिनिश्ड पोएम विच इज रिटन बिटवीन एटीन हंड्रेड नाइनटीन और एटीन हंड्रेड ट्वेंटी फोर के बीच में लिखी गई है ये कंसिस्टिंग ऑफ सिक्सटीन कैंटोज अब यहाँ और देख लो अटैरिक पोयम है इट इज़ हैविंग अ सिक्सटीन थाउजेंड लाइन्स ऑफ वर्स वर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है देखिएगा थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है वर्स इट हैज सिक्सटीन कंप्लीट कैंटोज एंड अनफिनिश सेवनटीन जो सत्रह से सत्रह जो कैंटोज थे वो इनकम्प्लीट थे और सिक्सटीन ऑनली कम्प्लीटेड है ना सेवनटीन सत्रहवा जो था वो इनकम्प्लीट था और सिक्सटीन कम्प्लीट थे सिक्सटीन थाउजेंड लाइन्स ऑफ वर्स इट हैज़ द पर्टिकुलर पोएम एंड दटारिकल मॉकैपिक डिटेल्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ अ यंग स्पेनियर डॉन ज्यून ठीक है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है डॉन ज्यून्स इनकाउंटर्स आर व्यूड एज पोइटिक रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ बैरोन्स ओन लाइफ एंड हेज एंड हेज़ अफेयर्स विद सेवरल वूमेंस इन हिज लाइफ ठीक है तो दिस इज़ द जॉन डूइंग ठीक है पब्लिश एटीन नाइनटीन देखिए अब ये बहुत सारे वर्क हैं तो इसमें आप एक बात याद रखिए आपका काम है बस पढ़ते जाना है या सुनते जाना है या वीडियो देखते जाना अगर आप बुक से पढ़ रहे तो बुक भी पढ़ते जाना उसमें आप ज़्यादा दिमाग में याद रखने की कोशिश मतलब आप you just read all the things and just listen all the things and just see all the things and i know that when you will attempt for the exam that time only it will comes in your mind definitely now next the gear the giver it is also a very important one, is a poem by Lord Byron and first published in 1813 by John Murray and printed by Thomas Division was the first in the series of his Oriental romances. ठीक है तो ओरिएंटल रोमांसेस करके इनकी जो सीरीज है उसका पहला ये वर्क द गेयर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट सक्सेस व्हेन पब्लिश्ड तो कंसोलिडेटिंग बायरस रेप्यूटेशन क्रिटिकली एंड कॉमर्सियली दोनों तरीके से उनकी रेपुटेशन बढ़ गई द गेयर इज ऑल्सो नोटेबल फॉर इट्स इंक्लूजन ऑफ द थीम ऑफ द वेम्पायर्स एन वेम्परिज्म ठीक है इसमें क्या है थीम काहे का है वेम्पायर्स एन वेम्परिज्म फिर द पोएम वॉज एन इन्फ्लुएंस ऑन द अर्ली वर्क ऑफ एडर एल एन पो हिज फर्स्ट मेजर पोएम टेम्पर लेन टैमर लेन पर्टिकुलरली एम्यूलेट्स बोथ द मैनर एंड स्टाइल ऑफ द गियर ठीक है तो नेक्स्ट वॉट इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर लेथ्यूनियन पॉलिश पोइट एडम मिग्विज ट्रांसलेटेड द वर्क इन पॉलिश तो पॉलिश में ये वर्क को ट्रांसफर uh, भी किया गया है ठीक है एंड ही ऑल्सो रोड दैट इन एटीन ट्वेंटी टू वॉट आई थिंक आई शैल ट्रांसलेट द गियर ही साइड तो है न दूसरा एक की, राइटर की एक कमेंट है जिन्होंने इसको लिखा था बाद ट्रा, ट्रांसलेट किया था तो नेक्स्ट द ब्राइड ऑफ एबिडोज द ब्राइड ऑफ एबिडोज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन ये भी हीरोइक पोयम है वन ऑफ हिज अर्लियर वर्क द ब्राइड एंड एबिडोस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हिज हीरो पोएम ठीक है देर आर फोर कैरेक्टर इसमें चार कैरेक्टर है जेफर एंड जूलेका द फॉर्मर एंड एम्बोडीमेंट ये क्या है देखो दोनों हैं जेफर एंड जूलेका क्या है द फॉर्मर एंड एम्बोडीमेंट फॉर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड द अदर फॉर लव एंड लव एंड सेम एंड अदर आल्सो द टू कपल्स आर हियर एक्चुअली एक तो ये हो गया एंड अदर इज सेलिम एंड हारून

फिर है कॉर्सर इज पब्लिश इन एटीन इस वर्क वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इन्फ्लुएंशियल व्हेन पब्लिश्ड एंड थॉट आउट द सेंचुरी फॉलोइंग सेलिंग टेन थाउजेंड कॉपीज इन इट्स फर्स्ट डे ऑफ सेल द वर्क वॉज डेडिकेटेड टू थॉमस मूर तो ये जो वर्क था ना थॉमस मूर को डेडिकेटेड था याद रखना द प्लॉट सेंटर अराउंड द मेन कैरेक्टर ऑफ कॉनरेड द कॉर्सियर एंड द पायरेट और प्री वेटीर तो पायरेट थे इसमें कॉर्सर था और कॉनरेड तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क फिर है मैनफ्रेड अ ड्रामेटिक पोएम है इट इज़ अ ड्रामेटिक पोएम इज अ क्लोसेट ड्रामा रिटर्न इन 1816 सिक्सटीन एटीन सेवनटीन लॉर्ड बायरन और इसमें जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है इन कीपिंग विद द पॉपुलरिटी ऑफ़ द घोस्ट स्टोरी इन इंग्लैंड एट दैट टाइम इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ गोथिक फिक्शन ठीक है गोथिक uh, फिक्शन है द सुपर नेचुरल रेफरेंसेज आर मेड क्लियर थॉट आउट द पोएम मैनफ्रेड वॉज अडोप्टेड म्यूजिकली बाय रॉबर्ट इसको भी अडोप्ट कर लिया गया है किसने अडोप्ट किया इसको मैन इन एटीन फिफ्टी टू इन अ कंपोजिशन एंड टाइटल्ड मैनफर्ड ड्रामेटिक पोएम विद म्यूजिक इन थ्री पार्ट्स ठीक है फिर तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा ये इसको अडॉप्ट किया था उसके बारे में लिखा है देन आयरिश एवेटर तो दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ सटेरिकल पॉम्पलेट है एंड द रॉयल विजिट बाय किंग जॉर्ज फोर्थ टू आयरलैंड जब किंग जॉर्ज फोर्थ ने आयरलैंड विजिट किया था तो बाय क्रिटिसाइज द एटीट्यूड डिस्प्लेड बाय द आयरिश पीपल टू द क्राउन एंड इंस्टीट्यूशन ही परसीव्ड Uh, as operating them and was dismayed by the positive reception George IV received during his visit. Or okay. Lachin Y. Gear is often known as the Dark Launchnagar or Launchnagar is a poem by Lord Varon and written in 1807. It discusses the author's childhood in North East Scotland when he used to visit लॉच इन हाईलैंड ठीक है एबर डीनशायर इट इज़ परहेप्स वन ऑफ द पोइट्स मोस्ट स्कॉटिश वर्क बोथ इन थीम एंड सेंटिमेंट्स तो लेचिन वायर गेयर फिर एक दो देख लो इसमें बहुत सारा लिखा है द विजन ऑफ जजमेंट ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लॉर्ड बायरन का इट पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी टू इट इज़ अ सटारिकल पोएम इन ओट्टावा राइम ठीक है ओटावा राइम है इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इटेलियन राइमिंग स्टेंजर्स के बारे में है ये विच डिपिक्स अ डिस्प्यूट इन हैवन ओवर द फेट ऑफ जॉर्ज थर्ड सोल इट वॉज रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू द पोइट ल्यूरिट रॉबर्ट साउथेज अजन ऑफ जजमेंट तो रॉबर्ट साउथेज uh, ने जो है विजन ऑफ जजमेंट एटीन लिखा था उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये लिखा था विच हैड इमेजिंग सोल ऑफ किंग जॉर्ज ट्रियम्पेंटलीविज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम विच द पोएम वॉज रिटर्न एंड ही टुक पर्सनली साउथ इज प्रीफेज विच हैड अटैक्ड दोज मैन ऑफ डिजीज्ड हार्ट एंड डिपरेव्ड इमेजिनेशनस हु हैड सेट अपटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री characterized by a satanic sprint of pride and uh, audacious empathy, he responded to the preface to his own vision of judgment with an attack on the gross flattery, the dull impudence and the, uh, uh, the rangey do intolerance and the imp impious cant of the poem and mis mischievous uh, मिस चिवल्सी रिफर टू द साउथ ई एज द ऑथर ऑफ द वॉड टॉयलर एंड एंटी रॉयल लिस्ट वर्क फ्रॉम द साउथ इज तो फायर ब्रांड रिवोल्यूशनरी यूथ हिज पैरोडी ऑफ द विजन ऑफ जजमेंट वॉज अ लास्टिंगली सक्सेसफुल दैट एज द क्रिटिक जॉफ्री जॉफ्री कैर्नॉल रोड जब इनका दोनों का उसका जवाब में इन्होंने जब लिखा तो ये एक जो क्रिटिक्स थे ये बोलते हैं जॉफरी कर्नॉल कि साउथेज रेपुटेशन हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम बायरस रेडिक्यूल ठीक है कि उनका रेपूटेशन कभी भी इन्होंने जब जो उनका मजाक उड़ाया उससे इनका जो रेपुटेशन है साउथे का वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा तो अ विज़न द विजन ऑफ जजमेंट 1822 इट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ लॉर्ड बायरॉन द प्रिजनर ऑफ चिलोन इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो कि 22 जून 1816 में पब्लिश लॉर्ड बायरोन एंड हिस्स एंड फ्रेंड पर्सी पीवी शैली जो थे पर्सी बाय शैली वर्स सेलिंग इन लेक दोनों सेल कर रहे थे लेक में कौन सी लेक जेनेवा एंड स्टॉप्ड टू विजिट द कहाँ पर ये जगह का नाम है फ्रांसीसी लैंग्वेज में चैट्यू डे चिलोन आफ्टर टूरिंग द कैसल ये कैसल में एक कैसल था उसको टूर किया दोनों ने एंड वॉकिंग थ्रू द डनजियोन इन विच बोनीवर्ड वॉज इम्प्रिजेंट ठीक है जहाँ पे बोनीवर्ड जो है जेल में रहे थे तो बायरन वॉज इंस्पायर्ड बाय बोनीवर्ड्स स्टोरी एंड कम्पोज द सोनेट ऑफ चिलोन द प्रिजनर ऑफ चिलोन इज अ 392 लाइन नरेटिव पोएम बाय लॉर्ड बायरन रिटर्न इन 1816 सिक्सटीन इन क्रॉनिकल्स दि प्रिजनमेंट ऑफ अ जेनेवाज मॉन्क फ्रांसियोस बोनी वर्ड फ्रॉम फिफ्टीन थर्टी टू टू फिफ्टीन थर्टी सिक्स द प्रिजनर ऑफ चिलॉन फिर लारा है लारा आ टेल ठीक है इज़ अ राइम्ड एंड ट्रेजिक नरेटिव पोएम फर्स्ट पब्लिश इन एटीन फोटीन द नेरेटिव पोएम रिकाउंट द स्टोरी ऑफ द फेटफुल रिटर्न ऑफ काउंट लारा ऑफ इज होम आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स अब्रॉड ट्रेवलिंग द ओरियंट द पोएम इज कम्पोज ऑफ टू कैंटोस ठीक है फिर देखो मैरिनो फेलिरो मैरिनो फेलिरो वेनिस इज़ अ ब्लैंक वर्स ट्रेजडी इन फाइव एक्ट पब्लिश एंड फर्स्ट परफॉर्म इन एटीन ट्वेंटी वन ठीक है तो ये प्ले है एंड द द प्ले इज़ सेट इन वेनिस इन थर्टीन फिफ्टी फाइव एंड मैरिनो फेलेरियो फेलेरो रिसेंटली इलेक्टेड डॉज ऑफ वेनिस एंड ऑफेंट्स वन ऑफ द चीफ ऑफिसर ऑफ स्टेट माइकल स्टेनो इस तरीका कुछ है इसमें Okay. she walks in beauty it is also very famous important work of lord byron and it is a short lyrical poem in iambic tetrameter written in 1814 and is one of his most famous works okay. it is said to have been inspired by an event in byron's life in 11th june 1814 byron attended a party in london among the guests was mrs n बेटेक्स वाइफ ऑफ बस्ट कजिन सर रॉबर्ट विलमॉन्ट एंड ही वॉज स्ट्रक बाय हर अनयूजल ब्यूटी एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोयम वॉज रिटर्न तो शी वॉक्स इन ब्यूटी और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है द जस्ट किस ऑफ लव हर ही ब्र्यू मेलोडीज एटीन फिफ्टीन परशीना एटीन सिक्सटीन द ड्रीम भी एटीन सिक्सटीन में ही आई है डार्कनेस एटीन सिक्सटीन और भी बहुत सारे दो तीन और वर्क हैं आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा कलेक्शन है अच्छे नोट्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को लाइक का बटन ज़रूर दबाइए प्लीज़ एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और देखिए पूरा वीडियो एक साथ थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग